भारत जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पहले स्थान पर आ जाएगा। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात पर भरोसा दिलाते हुए कहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जल्द ही पहले स्थान पर होगा। दरअसल अमेज़न के शिखर सम्मेलन 2021 में शामिल हुए नितिन गडकरी ने कहा कि लिथियम आयन बैटरी आने वाले 6 महीनों के अंदर पूरी तरह देश में निर्मित होंगी। नितिन गडकरी ने कहा कि देश इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने को लेकर काफी गति दिखा रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि भारत इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और समय के साथ हम दुनिया में नंबर 1 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि हम पावर सरप्लस हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इलेक्ट्रिक को पावर के रूप में इस्तेमाल करने का वक्त है। उन्होंने इस दौरान अमेज़न इंडिया के इलेक्ट्रिक वाहनों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए काम तेजी से कर रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन से अन्य वाहनों से पैदा होने वाले प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात का भी विश्वास दिलाया कि आने वाले कुछ ही सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में गिरावट दर्ज होगी, साथ ही कीमत के मामले में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को टक्कर दे सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।